YouTube चैनल पर तो दोस्तों यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जैसा कि आप सबको पता होगा। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की लेकर भी दोस्तों अपडेट आ रही है, और 10वीं वाले स्टूडेंट की दोस्तों यहाँ पर जो है रिजल्ट कब तक आएगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ में अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी दोस्तों आपको यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड की 10वीं की एग्जाम रद्द, बगैर परीक्षा प्रमोट होंगे 29 लाख छात्र, यानी कि बगैर परीक्षा के आपको प्रमोट कर दिया गया। जैसा कि पहले भी चर्चा चल रही थी कि 10वीं वालों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का नहीं आ पा रहा था, लेकिन दोस्तों अब डिसीजन आ चुका है। 10वीं के 29 लाख स्टूडेंट हैं दोस्तों जो 11वीं में प्रमोट होने वाले हैं, और इनको जो नंबर दिए जाएंगे दोस्तों वो आपके सभी स्कूलों के छात्रों की 9वीं के फाइनल एग्जाम के मार्क के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 24 मई तक का समय सीमा दी गई थी, यानी कि सभी के जो 9th के दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम के नंबर हैं, वार्षिक परीक्षा के अंक हैं, तो जितनी आपकी 9th में दोस्तों परसेंटेज बनी थी फाइनल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में नंबर आए थे, उतना ही दोस्तों आपका 10वीं का रिजल्ट रहने वाला है। इसमें दोस्तों 1 या 2% का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई स्कूलों में छमाही और प्री बोर्ड के यहाँ पर दोस्तों एग्जाम करा लिए गए थे, तो उनमें दोस्तों अंतर मिल सकता है, वरना दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो 9वीं के समान ही रहने वाला है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब 10वीं बोर्ड को पूर्णतः समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके अनुसार 10वीं बोर्ड को समाप्त किया जाएगा, सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड रखा जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अब 10वीं बोर्ड वैसे भी समाप्त होने वाला है, जो 2022 आपका नया सत्र रहेगा उसमें 10वीं बोर्ड आपका नहीं रहने वाला है। ये आप सबके लिए गुड न्यूज है, और 11वीं में प्रमोट कर दिया गया। रिजल्ट की बात करूँ तो जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आपका हम जुलाई में ही घोषित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जून और जुलाई में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यूपी बोर्ड के सचिव ने कहा है कि ये जो सरकार का फैसला है बिल्कुल सही है, और सरकार ने बिल्कुल सही किया है, और बच्चों के भविष्य से ज़्यादा यहाँ पर उनकी जान को दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले बचाना ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए विपरीत परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं था। अभी बच्चों को टीके भी नहीं लगे हैं, तो ऐसे में परीक्षा करवाना यहाँ पर दोस्तों परेशानी वाला सबक हो सकता था। अब दोस्तों 12वीं पर फैसला जल्द आने वाला है, 12वीं का फैसला दोस्तों 1 जून को आपका फैसला आएगा। 12वीं हालांकि मांग हो रही है कि 12वीं छात्रों को भी प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि आज के जो विश्वविद्यालय में दाखिले में लेकर इंजीनियर मेडिकल हर कंपटीशन में ऐसे में 10वीं या 12वीं का परीक्षा क्या मायने रखती है, लेकिन दोस्तों 12वीं की परीक्षा आपकी करवाना अनिवार्य है। हालांकि सभी सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ आपकी जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी ही एग्जाम कराई जाएगी यूपी बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों अगर आप 12th में स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहें, और जो आपकी मेन मेन सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई आप ज़्यादा करें, वरना जो आपकी अदर सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिनके नंबर सब जुड़ते हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास कर दिया जाएगा। दोस्तों यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं को लेकर जो भी अपडेट आएगी, रिजल्ट को लेकर या फिर 12वीं का टाइम टेबल आएगा, तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।